नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है। इम्फाल में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने इरिंगमाम थाने पर हमला बोला और हथियार लूटने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ की ओर से फायरिंग भी की गई। एक अन्य घटना में भीड़ ने भाजपा के एक विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश की। खोंगमन और सिंजमाई में भीड़ ने बीजेपी ऑफिस पर हमला किया। वहीं पोरमपेट में भीड़ ने बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में तोड़फोड़ की कोशिश की। राजधानी इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में भी करीब 1000 लोगों की भीड़ कंपाउंड को जलाने के लिए आई, लेकिन आरएएफ के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाई, जिसके बाद भीड़ वहां से हट गई। राजस्थान में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर और नागौर में तेज बारिश हो रही है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। बाड़मेर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। यहां बिजली लाइन का तार गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। एक बछड़ी भी करंट से झुलसकर मर गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गृह मंत्री ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना, साथ ही मांडवी सिविल अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात की और उनके हालचाल लिए। शाह ने बाद में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गुजरात के जूनागढ़ में एक दरगाह को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। जिला प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आई एक दरगाह को लेकर स्थानीय लोग नाराज थे, जिसके बाद वहां हिंसा हुई। भीड़ ने एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने की एक राजनेता की सलाह पर उन्होंने कहा था कि उस पार्टी में शामिल होने के बजाय वे कुएं में कूदना पसंद करेंगे। गडकरी ने यह भी दावा किया कि भाजपा सरकार में पिछले 9 साल में देश में कांग्रेस के 60 साल की तुलना में दोगुना काम हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए थे। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह बिजली आने वाले समय में सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों में सबक सिखाने का काम करेगी। जनता महंगी बिजली और बिजली आपूर्ति के नाम पर अब और शोषण नहीं झेलेगी। प्रभास और कीर्ति सेनन स्टार फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर विवाद छिड़ गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने फिल्म को बैन करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका में फिल्म में हिंदू आराध्य देवताओं का गलत तरीके से चित्रण करने का आरोप लगाया गया है और इसके कई सीन, डायलॉग्स और किरदारों को हटाने की मांग की गई है। लंबे समय से आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन ने बड़ी मदद दी है। ड्रैगन ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की मदद दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण सहायता को लेकर अनिश्चितता के बीच बेहद कम विदेशी भंडार से जूझ रहे पाकिस्तान को इस मदद से काफ़ी राहत मिलेगी। रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात करने की पुष्टि की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि परमाणु हथियारों का पहला जत्था तैनात किया गया है और इनका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाएगा जब रूस को या उसके किसी क्षेत्र को खतरा होगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है।